हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कुनाफा। कुनाफा बनाने के लिए मैंने ये सेवैया ले लिया है और मैं सेवई को इस तरह से मैंने छोटे छोटे कर लिया है। और मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा चाशनी बनाई हूँ ताकि मेरा इसमें थोड़ा गाढ़ा नहीं हो, ये मेरा काफी पतला चाशनी है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं कुनाफा बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं इसमें बटर लगा दे रही हूँ, चारों तरफ अच्छी तरीके से मैं इसमें बटर ऐड कर दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। इस तरह से मैं बटर लगा दे रही हूँ और इसके ऊपर मैं सेवैया को इस तरह से मैं रखूंगी और एक गोल शेप बना दूंगी इस पे, इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूंगी और एक अच्छी तरीके से इसे फ्लैट करूंगी और इसे एक अच्छा सा शेप दूंगी। इसे इस तरह से अच्छा सा सेक दूंगी। फिर इसके ऊपर मैंने ये रबड़ी बनाया है, ये मैं इसके ऊपर से मैं रबड़ी डालूंगी। मैंने ये जो दूध का रबड़ी बनाया है ये इसके ऊपर से मैं इस पे डालूंगी और इसका एक लेयर डालूंगी इसके ऊपर। ये मैंने इस तरह से एक ऊपर लेयर रबड़ी का लगा दिया है, अब इसके ऊपर मैं इसे कवर कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर से कवर कर दिया और इसे कवर करके इसे एक अच्छा सा सेक दूंगी और ऊपर से ये मैं बटर ऐड कर रही हूँ। ये ऊपर से बटर ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। ये बहुत जल्दी बन जाता है, अब मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है इसे और मैं एक तरफ से बना रही हूँ, फिर मैं दोबारा इसे पलटकर दूसरी तरफ से मैं पकाऊंगी। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए, मेरा एक तरफ से हो गया है, अब मैं दूसरी तरफ इसे पलट देती हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल दिया है इसे, अब मैं दूसरी तरफ पलट के पकाती हूँ। फिर से मैं इसमें ये बटर लगा दे रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मैं ये बटर लगा दूंगी और ये धीरे से मैं इस पे इसे डाल दूंगी और दूसरी तरह भी मैं इसे पकाऊंगी। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए, हमारा कुनाफा बनकर रेडी हो गया है। मैंने दोनों तरफ से इसे पका लिया है और इसे एक अच्छा सा शेप भी मैंने दे दिया है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसी के ऊपर जो मैंने शीरा बनाया था चाशनी, ये ऊपर से मैं इसमें लगा दूंगी, जिसमें मैं ऊपर से ये डाल दूंगी क्योंकि ये हमारा थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा कुनाफा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। अब मैं इसमें इसे सर्व करती हूँ। ये मैं धीरे से इस पर लगा निकाल दूंगी। ये देखिए, ये हमारा निकल गया है। अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने सर्व कर दिया है, अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। ये ऊपर से ये मैं मावा डाल रही हूँ, ये मैंने मावा डाल रही हूँ ऊपर से। मावा से टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। ये कोको पाउडर है और ये बादाम है मेरा। आप गार्निश अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब मैं इसे कटिंग करके दिखलाती हूँ। ये हमारा कुनाफा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं इसे कटिंग करके दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कुनाफा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारा कुनाफा बनकर रेडी हो गया है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।